हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड के लेआउट मेनू के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, तो अपने कीबोर्ड से विंडोज लोगो की के साथ में आर को प्रेस करिएगा और टाइप करिएगा बीन वर्ड WINWORD और ओके पर क्लिक करिएगा, तो आपका जो है एमएस वर्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ ब्लैंक पेज मैंने ओपन कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं लेआउट मेनू की। देखिए लेआउट मेनू में जो है आज हम लोग बात करेंगे पेजेज पेज सेटअप ग्रुप के बारे में अच्छे से। दोस्तों जो पेज सेटअप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं अपने प्रिंटर से तब वहाँ पे पेज सेटअप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका पेज कटने लगता है प्रिंट आउट होने के बाद। दोस्तों इसको सेट करना है तो आप देखिए डिजाइन मेनू, इंसर्ट मेनू, होम मेनू के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, यदि आपको वीडियो देखना होगा तो वहां से जा करके देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पेज सेटअप की। पहला ऑप्शन दोस्तों मार्जिन, मार्जिन अर्थात जगह छोड़ना। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे से जगह छोड़ना चाहते हैं आप। देखिए तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट ले लेते तब समझ आएगा हम लोगों को, तो इक्वल करेंगे और यहाँ पर रैंड लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है तो आप इक्वल टाइप करिएगा और यहाँ पे रैंड लिखिएगा और कोष्ठक लगाइएगा और इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो आपके सामने पांच पैराग्राफ लिखे लिखान आ जाएगा। तो दोस्तों पहला है मार्जिन, मार्जिन का मतलब जगह छोड़ना। 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा हुआ है और 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट से छोड़ा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि और कम छोड़े जगह लिखते वक्त तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा और देखिए यहाँ पे देखिए एक दिया है नॉर्मल साइज और एक दिया है देखिए यहाँ पे नैरो। नैरो मतलब दिया है देखिए टॉप से छोड़ेगा कितना 1.5 सेंटीमीटर के लगभग, ये 2.5 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ जो कि अभी ये सिलेक्टेड है। इसको हम जैसे ही करेंगे तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नैरो पे, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया लेफ्ट से भी और टॉप से भी। इसी प्रकार से जो भी आपको यहाँ पे सेट करना होगा यहाँ पे आप जो है जगह छोड़ करके लिख सकते हैं। आपको अपनी मर्जी से भी सेट करना होगा, जैसे आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से एकदम और कम हो जाए नज़दीक में हो जाए तो यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखिए कस्टम मार्जिन दिया इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां से भी आप छोड़ना चाहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा जो देखिए ये लेफ्ट से 2.5 सेंटीमीटर है, मैं चाहता हूं ये 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो यहां पे इसको सेलेक्ट करिएगा और अपने कीबोर्ड के बैक स्पेस से इसको कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद यहाँ पर एक टाइप करिएगा और एक टाइप करने के बाद यहाँ ओके पर क्लिक करिएगा। तो देखिए जैसे ओके मैंने क्लिक किया देखिए टॉप से तो उतना ही छोड़ा हुआ है पर लेफ्ट साइड से क्या हुआ थोड़ा नज़दीक में आ गया। यदि इसी प्रकार से आपको बॉटम से भी लेफ्ट से भी राइट से भी छोड़ना होगा तो आप यहाँ पर जा करके यहाँ दिया है कस्टम मार्जिन यहाँ पर क्लिक करके अपना बदलाव कर लीजिएगा। टॉप देखिए दिया है ऊपर से भी, देखिए जैसे यहाँ पर ऊपर दिया है 2.5 सेंटीमीटर, मैं चाहता हूँ 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो यहाँ पर आप एक टाइप करिएगा और यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर ऊपर से भी हो गया और लेफ्ट से भी 1 सेंटीमीटर हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से सेट कर सकते हैं। अगला है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दोस्तों पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में डालने, जैसे प्रिंट निकलवाते हैं तो सीधा सीधा आता है, यदि कभी कभी जो है पेज जो है आपका उल्टा तरफ हो जाता है जैसे लेटा हुआ, उसी प्रकार से प्रिंट भी होता है। तो देखिए ये पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट सीधा है, ये पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लैंडस्केप करेंगे तो आपका पेज जो है चौड़ा में हो जाएगा जैसे उल्टा करके। इस प्रकार से आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप में कर सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है कि प्रिंट आउट के समय उसी प्रकार से प्रिंट होकर आएगा। अगला है दोस्तों साइज, साइज पेपर का साइज भी सिलेक्ट करना जरूरी है। जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो देख लीजिएगा आपके पेपर का साइज क्या होता है, जैसे जिस पर आप मार्कशीट प्रिंट करवाते हैं, आधार कार्ड प्रिंट करवाते हैं, लेटर छपवाते हैं, रिज्यूमे बनवाते हैं, एप्लीकेशन प्रिंसिपल को देते हैं, तो ये सभी जो चीज़ आप करते हैं वो A4 साइज में होता है, जिसका चौड़ाई 8 जो है इंची होता है और लंबाई 11 इंची होता है। तो ये पेपर का साइज होता है नॉर्मल। यदि आपका कोई और पेपर का साइज है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट करके जो है आप वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगला है कॉलम्स दोस्तों, यदि आप चाहते हैं जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक नहीं एक से अधिक कॉलम में हो जाए तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिएगा टेक्स्ट को और यहाँ पर आप क्लिक करिएगा कॉलम्स पर। एक कॉलम में देखिए सिलेक्टेड है ऑलरेडी, पहले से ही 2 कॉलम करेंगे तो ये टेक्स्ट 2 कॉलम में बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 कॉलम में बढ़ गया, 3 कॉलम में बांटना है 3 कॉलम में बांट लीजिएगा। इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं, मैं नॉर्मल इसको 1 कॉलम में कर देता हूँ और यहाँ से आप जो है
वन कॉलम में करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगला है ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। यदि पेज को दो भागों में तोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो गैलरी से लिखा हुआ है इसके नीचे का टेक्स्ट दूसरे पेज में चला जाए और ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो इसी पेज पर रहे, तो आप ब्रेक पर क्लिक करिएगा और देखिए यहाँ पर दिया है पेज। पेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए ये पेज दो भागों में टूट जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए ऊपर का जो गैलरीज है वो एक ही पेज में है और यहाँ पर देखिए टोटल दो पेज दिखा रहा है, मैं एक नंबर पेज पर हूँ और नीचे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला पेज है जिसमें देखिए मैं दो नंबर पे हूँ, टोटल दो नंबर पेज भी है और वो वहाँ से कट के नीचे चला आया। इस प्रकार से आप पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। पेज तोड़ने के लिए पेज को इससे संबंधित बहुत सारे पेज हैं जिससे आप तोड़ सकते हैं। तो ये दोस्तों अगला है नंबर लाइन नंबर्स। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपको नहीं पता कि ये जो थीम्स वाला है ये कौन सा लाइन नंबर है, आपको काउंट करना पड़ता है, ऐसे तो समय लगेगा। तो यदि आप लाइन नंबरिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, देखिए अभी नन है, कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू जो है आपका नंबरिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पर काउंट कर चुका है। अगर आप थीम्स वाला लाइन देखना चाहते हो तो 7 नंबर पर है। दोस्तों इस प्रकार से लाइन नंबरिंग कर सकते हैं। अगला है रीस्टार्ट ईच पेज, यानी प्रत्येक पेज से पहला नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक पेज और ले लेता हूँ, आप जानते हैं इंसर्ट पे जाइएगा, यहाँ से जो है आप ब्लैंक पेज पर जाइएगा तो एक पेज आपको और मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जो है ये पेज जो है यहाँ से देखिए नंबरिंग किया है 3 और यहाँ से भी देखिए चालू हो गया 4 5, ऐसे जहाँ तक लिखे रहेंगे आप वहीं से चालू होता है ये। तो इस प्रकार से जो है आप पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है नया टेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, न्यू पेज पे लेके इक्वल करेंगे, रैंड करेंगे और क्वेश्चन लगा के इंटर कर दीजिएगा। तो देखिए टेक्स्ट आ गया। अब बात करते हैं लेआउट में अगला ऑप्शन, अगला है हाइफनेशन। हाइफनेशन दोस्तों वो होता है जैसे मान लीजिए आप कभी कभी अपनी कापी पे लिखते हैं और पेज जो है लिखते वक्त आपका ख़त्म होने वाला होता है तो आपका टेक्स्ट जो है काफ़ी लंबा होता है तो आप आधा काट के डैश लगा के नीचे लिख देते हैं, उसी प्रकार से हाइफनेशन होता है। देखिए अभी यहाँ पर हाइफनेशन नहीं है, आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिएगा और जैसे देखिए यहाँ पर अभी कोई अगर वर्ड नीचे आया हुआ है तो वो कट जाएगा। देखिए यहाँ हाइफनेशन पर क्लिक करिएगा, यहाँ अभी नन है, जैसे ही आप इसको ऑटोमेटिक करेंगे तो आपका हाइफनेशन दिखने लगेगा। जैसे देखिए ये गैलरीज लिखा हुआ था पर IES वहां पर नहीं हो पाया तो नीचे कर लिख दिया है डैश करके, और यदि आप चाहते हैं हाइफनेशन जो है दो ये टेक्स्ट जो है गैलरीज नीचे आ जाए क्योंकि वहां पर नहीं हो पा रहा है तो आप यहां पर क्लिक करिएगा और नन कर दीजिएगा। जैसे ही नन करेंगे ये गैलरी का जो स्पेलिंग बचा हुआ है ये नीचे आ जाएगा क्योंकि यहां पर जगह नहीं था। देखिए मैं नन करता हूं तो आप देख सकते हैं डिफरेंट के बाद जो गैलरीज था वो नीचे आ गया। यदि आप हाइफनेशन लगाना चाहते हैं तो आप जैसे ही ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे तो देखिए गैलरी के बाद जो है ये लिखा हुआ IES इसी प्रकार से आ गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ था और ये PIC करके TURE नीचे चला आया, क्यों? क्योंकि हाइफनेशन लगा दिया, जो टेक्स्ट नहीं हो पाता वो डैश लगा के नीचे लिखा जाता है। यदि हाइफनेशन हटाना है आपको तो यहाँ पर क्लिक करिएगा और इसको नन करेंगे तो ये जो PIC ऊपर लिखा था वो नीचे आ जाएगा, यानी इससे जुड़ जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर पिक्चर आ चुका है, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है पिक। तो दोस्तों ये था जो है पेज सेटअप। ये ज़रूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप जब भी काम करते हैं प्रिंट आउट निकालते वक्त तो आपको इसका आवश्यकता पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से पेज को सेट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकालने समय आपके काम आएगा ये। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को बताएं इसके बारे में, क्योंकि ये मैं नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ आप ही लोगों के लिए। जितना आप सीखेंगे उतना मुझे खुशी होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।